ये जगह सोन भंडार है और ये बिंबिसार का खजाना भी यहाँ पे है शायद, ऐसा माना जाता है। और ये जो जगह है तीसरी या चौथी सदी में उस टाइम से है, और उसके ऊपर बाद मैं ऊपर में जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर में कैसा व्यू है जगह का। ऊपर गुफा है और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है सो स्वर्ण भंडार है, पर पता नहीं, काश मुझे मिल जाता ये स्वर्ण भंडार, तो गरीबों के काम आते ये पैसे। गर्मी इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। देखिए यही है वहाँ पे बिल्कुल गुफा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इतनी गर्मी में ब्लॉगिंग इम्पॉसिबल है भाई, लेकिन बैठा था तो सोचा कि इस जगह का बनाया जाता है। देखिए गुफा वही है। कहा जाता है जरासंध युद्ध में जाने से पहले अपना सारा खजाना यहीं छुपा कर गया था। गाइस जो आप पीछे देख पा रहे हैं वो है जरासंध का अखाड़ा, और जरासंध को तो आप जानते ही होंगे, जी अखाड़ा है यहाँ पे। शायद जरासंध जी कुश्ती वगैरह लड़ा करते थे, आप गौर से देख लीजिए। ये जगह है बस छोटा सा संरक्षित जगह है और कुछ विशेष यहाँ पे है नहीं, बस जो है सो अखाड़ा है। अगर आपको भी कुश्ती करना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। गाइस ये जगह जो है सो ब्रह्मकुंड नाम है इसका, और इस जगह पे लोग नहाते हैं और गर्म पानी का कुंड है ये, और मैं वहीं आपको घुमाने के लिए ले आया हूँ। और मौसम भी कुछ खास अच्छा नहीं है, ऊपर का बारिश का मौसम लग रहा है, कब बारिश आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है। आपको कुंड दिखा के और फिर यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ पे लोग नहाते हैं हॉट वाटर में, और अंदर का व्यू मैंने कुछ लिया है जो आपको दिखा दूंगा, और ज़्यादा विशेष अंदर का मैं व्यू नहीं ले सकता हूँ क्योंकि लोग स्नान कर रहे हैं अंदर में, तो वो तो मैं नहीं कर सकता। बाकी आप जो है सो देख सकते हैं यही सब है। बारिश भी आ रहा है, घर भी जाऊंगा। ये सिंपल एक दिन का टूर प्लान था मेरा यहाँ का, और जो कि मैंने दिखा दिया है आपको।